भी नहीं रहा था, तीर पड़ा हुआ था, तूने तीर उठाया, फेंका, फिर लिया. Exactly. You know, I was like, उसका एक रीजन पता है क्या था? रिया, 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 सारी चीज एक तरफ. But only thing I was concerned about is. एक कमेंट कर रहा है, कितने पैसे मिले शिवम को शो पे डेट करने के? 50 रिया के थे, मैं परफॉर्म करूं. ध्रुव, एक मिनट भाई, मेरे को पैसे नहीं मिले. मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे कुछ पैसे तो मिलने चाहिए थे इतना ज्यादा उसको टॉलरेट करने के लिए. Exactly. और डोम में से खड़े रहने के लिए डंपिंग जोन में. मैं डंपिंग जोन में हूँ. But you know what, guys? हम लोग हमेशा बोल रहे थ्रू आउट द सीजन में और शिवम की हमको चांस नहीं मिल रहा परफॉर्म करने का, चांस नहीं मिल रहा परफॉर्म करने का, वी वांट टू परफॉर्म. तो आई थिंक तभी मेरे को ऐसा लगा कि दिस इज द बेस्ट चांस कि हमको परफॉर्म करने का मौका मिला और हमें परफॉर्म करना चाहिए. अभी आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो परफॉर्म करना ही है, राइट? अरे तो कल बाहर चले जाते, आज की चांस था परफॉर्म करके, तो वो था ना कुछ बाकी लोग बाहर नहीं है. अभी हम परफॉर्म करके गेम में रहने का चांस है हमारे पास. जीतू मलिक जिंदाबाद. कोई भी बंदा उस स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए हाथ खड़ा कर, क्योंकि हम डंपिंग जोन में जो बंदा हारेगा वो घर जाए, नहीं जाए वो बहुत वो ये था वो दैट वाज. लेकिन थोड़ा सा अगर मैंने बोल भी दिया कि आई वांट टू परफॉर्म कॉन्फिडेंस में आके या जो भी है, उस भाई साहब ने भी कुछ बोला नहीं. मतलब इट्स हर डिसीजन, कुछ भाई नहीं बताना ना. मेरे लाइफ में क्या मेरी लड़ाई हो गई? अरे ये सीन देखो यार प्लीज, मैं भी हट जाता हूँ भाई. मुझे इतनी हंसी आई है ना उसके बाद. देख ना केविन आके पूछ रहा है.